উত্তরাখণ্ডের চারধাম যাত্রায় গত 20 দিনে প্রাণ হারালেন প্রায় 57 জনেরও বেশি তীর্থযাত্রী। প্রবল দুর্গম পরিবেশে অসুস্থ হয়ে তাদের মৃত্যু হয়েছে বলে দাবি সেখানকার স্বাস্থ্য আধিকারিকদের। উত্তরাখণ্ডের চারধাম যাত্রায় মৃত্যু হল 57 জনেরও বেশি তীর্থযাত্রীর। গত 20 দিনে এত সংখ্যক তীর্থযাত্রীর মৃত্যু নিয়ে উদ্বিগ্ন প্রশাসন। এতজনের মৃত্যুর কারণ হিসেবে সেখানকার স্বাস্থ্য আধিকারিকদের দাবি, দুর্গম পথ অতিক্রম করতে গিয়ে অনেকেই অসুস্থ হয়ে পড়ছেন। মৃত্যুর প্রাথমিক কারণ হিসেবে হার্ট অ্যাটাককেই দায়ী করেছেন তারা। উত্তরাখণ্ডের স্বাস্থ্য বিষয়ক ডিজি শৈলজা ভাট জানান, তীর্থযাত্রীদের মধ্যে বেশিরভাগই মারা গিয়েছেন দুর্গম পথে ক্লান্তিতে। যাতায়াতের পথে তীর্থযাত্রীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হচ্ছে। যাদের শারীরিক অবস্থা খারাপ তাদেরকে তীর্থ করার অনুমতি দেওয়া হচ্ছে না। গত 3রা মে অক্ষয় তৃতীয়া উপলক্ষে উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামীর উপস্থিতিতে পোর্টাল চালুর মাধ্যমে চারধাম যাত্রা শুরু হয়। গত 22 মে পর্যন্ত 57 জনের মৃত্যু হয়েছে। গত 2 বছর করোনার জন্য চারধাম যাত্রা বন্ধ ছিল। এবার সেই যাত্রা শুরু হলে তীর্থযাত্রীদের উৎসাহ চোখে পড়ে। দুর্গম পথ হলেও পুণ্য লাভের আশায় বহু মানুষ চারধাম যাত্রায় রওনা হন। चूंकि रिसोर्सेस पे काफी वहां पर प्रेशर है, वहां का जो इलाका है, जो वैलीज है, वहां पे आने जाने का जो रास्ता है वो सिंगुलर होने की वजह से एक तो ट्रैफिक की दिक्कत हो रही है आने जाने के लोगों को। मंदिर के पास चूंकि आईटीबीपी डिप्लॉयड है दोनों जगह, बद्रीनाथ में भी हम लोग मदद कर रहे हैं प्रशासन को और केदारनाथ में तो है ही, दर्शन हो जा रहा है, दर्शन करने में कोई ऐसी समस्या नहीं है। प्रॉब्लम आ रही है कि जो भी यात्री आ रहे हैं कई बार वो अनजान होते हैं, जो हाई एल्टीट्यूड के खतरे होते हैं, और इस बार मई में काफी मौसम बदला है 2-3 बार, जब कपाट खुले उसके बाद से 3 से 4 बार बारिश हुई है और पिछले 24 घंटे में कुछ वहां बर्फबारी भी हुई है। निश्चित तौर पर तापमान बहुत कम हो गया है और जो लोग इन खतरों से नहीं है वाकिफ, उनको नहीं पता कि इनसे क्या उनके हेल्थ पर रिपरकशंस हो सकते हैं, उनको दिक्कत आ रही है वहां पे। और अनफॉर्चुनेटली कुछ लोगों की डेथ भी हुई है, मोस्टली हार्ट की कंडीशंस की वजह से। उसमें दिक्कत ये आ रही है कि कई लोगों को जानकारी का अभाव है, कई लोग समझ नहीं पाते उनकी मेडिकल कंडीशन कैसे हो रही है, बिकॉज वहां हवा का दबाव, वहां पर प्रेशर कम होता है, जो एटमोस्फेरिक प्रेशर की हम बात करते हैं, वहां तापमान भी काफी कम होता है, सुबह और शाम में टेम्परेचर माइनस में चला जाता है। तो जो इन खतरों से अनजान है कुछ लोग नहीं उसको समझ पाते और अनफॉर्चुनेटली उनकी वहां पर डेथ हो जाया कर रही है। 55 से ज्यादा लोगों की डेथ हुई है चारधाम यात्रा के दौरान, जैसा कि सूचना है हम लोगों को, और मोस्टली वो उन्हीं कंडीशंस की वजह से हुई है। और एक्लेमेटाइज नहीं हो पा रहे हैं प्रॉपर, वो हाइड्रेटेड नहीं है, मतलब जैसे बोलते हैं हम लोग कि पानी लगातार पीते रहना चाहिए, अपना ख्याल रखना चाहिए, बीच बीच में कुछ कुछ खाते पीते रहना चाहिए, और उसका ख्याल न रखने की वजह से जो ओवरऑल जो यात्रा का प्रबंधन है बाकी चीजें उसमें अगर ऐसी डेथ होती है तो ये निश्चित रूप से मैं कहूंगा बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नो मैन्स लैंड, उत्तराखंड।